जिले में किशोरों के टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। टीकाकरण के लिए नागरिक अस्पताल के अलावा अनेक स्वास्थ्य केंद्रों पर बूथ बनाए गए हैं। उप सिविल सर्जन ने कहा कि कोरोना के मानक नियमों के पालन करने से ही कोरोना संक्रमण के प्रसार पर रोक लगाई जा सकती है। एवरेज सर हम डेली 180 से 190 बूथ कोविड वैक्सीनेशन के चला रहे हैं, जिसमें से पिछले 2 दिन में ऑन एवरेज 50 से 60 कैंप स्पेशली फॉर 15 टू 18 एज ग्रुप। बढ़िया उत्साह देखने में आ रहा है जी। पहले दिन हमने 2800 बच्चों को वैक्सीनेट किया था, अगले ही दिन 7600 बच्चों ने कोविड वैक्सीनेशन लगवाया है और आज हमारी उम्मीद है कि हम कल से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीनेट करेंगे। टीकाकरण केंद्र पर टीका लगवाने आए किशोरों ने कहा कि टीका लगवाने से उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं हुई है और वे कोरोना रोधी टीका लगवाने के लिए अन्य किशोरों को भी प्रेरित करेंगे। इन्हें जल्द से जल्द सभी लड़कियों को और औरतों को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। ये हमारे देश के लिए और एक अच्छे नागरिक के लिए जरूरी है। यही कहना चाहूँगा कि इससे कोई भी डरने की बात नहीं है, मतलब आप एक प्रोटेक्शन के लिए है कि आपकी मतलब जान जाने की कोई भी वो नहीं होगी आशंका, और अगर आपको होगा भी तो माइल्ड सा बुखार आएगा और ज़्यादा कुछ नहीं। कोरोना वैक्सीन लगवाई मैंने, अभी अपनी मर्जी से वैक्सीन लगवाई। मैं अभी 18 साल का हुआ हूँ। मेरा नाम साहिल है, मैं जींद का वासी हूँ।